मैं सुबह सुबह गुजर रहा था यहाँ से, तब मेरी नजर पड़ी लाश पर। आराम से। ये फोटो है, 19 तारीख को आया था जूनागढ़ से। सर, बॉडी पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। चेहरा वही है, स्वाति अजय सांधी, जूनागढ़ से गुमशुदा। सर, ये वही लड़की है, स्वाति सांधी, शायद आत्महत्या की है। देवेन, लाश के पास कुछ और मिला? कोई हैंडबैग वगैरह? और तो कुछ नहीं सर, एक सस्ता सा फोन मिला है पेड़ के पास झाड़ी में, जिस पर लाश लटकी थी। दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये फोन विक्टिम स्वाति का ही है। फिर भी स्कैन करो, मैं मोरबी पहुंच रहा हूं। जी सर। और एक बात है सर, शायद लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कोई और होगी। मैं लाश की फोटो भेज रही हूं अजय, वो स्वाति ही है। क्या बोली पुलिस वाले? मोरबी में मिली, पुलिस कह रही है आत्महत्या कर ली स्वाति ने। आत्महत्या? शुद्ध, क्या कहा अजय कुमार ने? बताइए ना पप्पा, क्या कहा जीजा जी ने? पप्पा, मैंने कितनी बार कहा कि स्वाति मेरे पास आई ही नहीं है, अब बार बार क्यों एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, लेकिन शायद फिर पुलिस पूछेगी, क्योंकि पुलिस ने तेरा नंबर और एड्रेस लिया है मुझसे, वो लोग फोन करेंगे तुझे। पापा, शू चाली रहे हो चावदू, क्यों मुझे बार बार इस मामले में घसीटा जा रहा है? पुलिस को स्वाति की लाश मिली है मोरबी से, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? स्वाति ने आत्महत्या? पापा, पापा आपने सही तो सुना है ना, ये क्या कह रहे हैं आप पापा? सच सच बता मयूर, तुझे पता है कि स्वाति वहां मोरबी कैसे पहुंची? नहीं पापा, हम दोनों के अलग होने के बाद मेरी स्वाति से कभी बात ही नहीं हुई है। इतना कंफर्म है कि मौत से पहले विक्टिम का रेप हुआ था, हमें एक से ज्यादा सीमन सैंपल्स मिले, इट्स अ गैंग रेप। और सर, शायद इसी वजह से स्वाति ने सुसाइड कर लिया होगा। पर स्वाति मोरबी क्यों आई होगी और कौन लेकर आया होगा उसे? सर एक मिनट, सबसे पहली बात यह कि यह सुसाइड केस है ही नहीं, मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए विक्टिम को पेड़ से लटकाया गया होगा, गला दबाकर विक्टिम को मारा गया था। इनफैक्ट पेड़ में लटकाने से पहले ही विक्टिम की मौत हो चुकी थी। मौत का वक्त? यहां लाने के करीब 14 से 15 घंटे पहले, यानी कल 22 जून की रात को 10 से 12 के बीच। कमलेश, स्वाति की फैमिली जूनागढ़ पहुंची? हाँ सर, पहुंच रही है, और राजकोट से उस लड़के मयूर को भी बुलवाया, जिसके साथ स्वाति 2015 में घर से भाग गई थी। ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस है, सबसे अलग अलग पूछताछ करनी होगी। स्वाति के बारे में कोई ऐसी बात है जो कोई ना कोई छुपा रहा, हमें पता करना होगा कि आखिर स्वाति मोरबी क्यों आई थी। फोन स्कैन किया, कॉल लिस्ट पूरी खाली है, ये फोन हमें झाड़ी में पड़ा मिला क्राइम सीन की जगह पर। सिम कार्ड भी अंदर ही है, हो सकता है शायद ये फोन स्वाति से कनेक्टेड ना हो। या हो सकता है कनेक्टेड हो, स्वाति का फोन जूनागढ़ में स्विच ऑफ हुआ था, तो हो सकता है मोरबी में आकर उसने नया नंबर लिया, और जब उसकी लाश को पेड़ पर लटकाया गया तब ये फोन नीचे गिर गया। या सर, गैंग के किसी आदमी की जेब से भी गिरा हो सकता है। सिम कार्ड के डिटेल्स और रिकॉर्ड्स मंगवाए सर्विस प्रोवाइडर से, जल्दी आनी चाहिए। कॉल लिस्ट पूरी खाली, शायद कॉल डिलीट की गई होंगी, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, तो इससे तो यही लगता है के फोन शायद इस केस से कनेक्टेड है। तो सर फोन झाड़ियों में क्यों फेंकते? सिम और इंस्ट्रूमेंट दोनों सबूत हुए ना।
जी सर, मेरी पत्नी स्वाति है। स्वाति यहाँ जूनागढ़ से मोरबी क्यों गई होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्वाति का मोरबी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मोबाइल स्वाति का है? जी सर। 18 जून को स्वाति ने कहीं जाने की बात कही थी? उस दिन कुछ भी अटपटा लगा, कुछ भी? जी नहीं सर, रोज जैसा दिन था। सर, मयूर का नंबर मैंने ही स्वाति को दिया था। सर, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए। रोहन। हाँ। ये ले, डायल लिस्ट में जो पहला नंबर है ना, वो डायल कर मयूर का है। और ज्यादा बात मत कर, ठीक है? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जल्दी कर। मयूर? स्वाति, कैसी हो तुम? जैसे तुम हो। तुझे मारा तेरे पापा ने? हाँ। स्वाति, स्वाति मुझसे नहीं जिया जा रहा है। मुझसे भी। मयूर, फिर से भाग जाते? हाँ, इस बार बहुत दूर भाग जाएंगे, इन सब से दूर। कब मयूर, और कैसे? पिछली बार की कोई भूल नहीं दोहराएंगे। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पैसे भी बचा रहा हूँ। मयूर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पापा जल्द से जल्द मेरा लगन कराना चाहते। कोई चंद्रेश नाम का लड़का मुझे देखने भी आया था। ना पड़ी दे स्वाति, और मारेंगे। और अगर लगन कर लिया तो मैं मर जाऊंगी। मयूर, भाग जाते हैं अभी, कहीं भी रह लेंगे और लगन बाद में कर लेंगे। इस मयूर, कुछ करो। अरे शू बात करे छे, वाट लग जाएगी मेरी। देख, तू अपना फोन यूज मत करना, दूर जाके ना किसी पीसीओ से कॉल करना, ठीक है? भाई बहु रिस्की छे, पुलिस पीसीओ से भी ढूंढ लेती है। मैं कुछ नहीं जानता यार, सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर स्वाति की शादी हो गई तो मेरी और स्वाति दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। सुन, तुझे चंद्रेश के पापा का नंबर मिल गया ना, ऐसे बात कर कि तुरंत रिश्ता टूट जाए। और सर, मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं उनके प्यार को सपोर्ट करता था। तो जब भी कोई स्वाति को देखने आता, स्वाति उस पार्टी का नंबर तुझे देती? जी सर, लेकिन अजय के टाइम पे स्वाति ने मुझे पहले भूल से गलत नंबर दे दिया था सर। सोहन, तूने अजय के घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? मेरी सगाई भी हो गई। अरे स्वाति, तूने गलत नंबर दिया था, और ये अजय के पापा प्रकाश का नंबर नहीं है, किसी और ने उठाया था। सुन, तू ना सही नंबर ला, मैं तेरी सगाई तोड़वाता हूँ। फिर से पापा के फोन से चुपके से नंबर निकालना पड़ेगा। तुझे जैसे करना वैसे कर, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, कल यहीं इसी वक्त मिलो। हाँ, फिर मैंने अजय के पापा को फोन किया, पर सर अजय तो स्वाति पे लट्टू हो चुका था, सगाई भी नहीं टूटी और लगन पन थी गया। तुमने शादी तोड़ने में मदद की, स्वाति की जूनागढ़ से भागने में मदद की, और मयूर की स्वाति का मर्डर करने में मदद की। नहीं सर, स्वाति के लगन के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था सर। मैंने मयूर को भी बोला कि देख भाई, उसकी शादी हो चुकी है और तू उसको भूल जा, तू अपने काम पे लग जा। सर, मैं कसम खा के कहता हूँ कि स्वाति की ऐसी हालत किसने की और उसको क्यों मारा, सर मैं नहीं जानता। तुम जा सकते हो मयूर। सर, किसने मारा मेरी स्वाति को? साहब, हम लोग ऐसे हैं नहीं साहब, वो तो बस थोड़ी पी रखी थी, पर मैंने इन्हें मना किया था कि मत मत, पर ये लोग सुने ही नहीं साहब। साहब गोली दे रहा है लक्ष्मण भाई, और बिल हमारे नाम का फाड़ रहा है। किस बात का बिल? पता तो चले किया क्या है तुम लोगों ने।
लक्ष्मण भाई, वो लड़की स्वाति सोने जा रही है। अबे काम खत्म हो गया है, सोने का वक्त है। अब सोएगी नहीं तो क्या गरबा खेलेगी? ऐसे लक्ष्मण भाई, आपने उस लड़की को रख के अच्छा किया, काम करेगी, हाथ भी बटाएगी। मोरबी की नहीं लगती है, है ना भाई? हाँ, घर से भागी भागी लगती है, लेकिन फटीचर नहीं है। बिल्कुल फटीचर नहीं है, उल्टा ही है। लक्ष्मण भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम कुछ करें क्या? क्या बे, क्या सोच रहे हैं? साफ साफ बोल, क्या करने की सोच रहा है? इतनी पी रखी थी कि कुछ होश नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा, समझ नहीं पाए कि हम लोग क्या कर रहे। तुम तीनों ने तीनों ने हाँ साहब, जब हवस का नशा उतर गया तब ख्याल आया, वो अगर मुंह खोलेगी तो हम तो गए। स्वाति का बैग और उसके खुद का मोबाइल हमें ढाबे से बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों के सीमन सैंपल्स की स्वाति की बॉडी पर से मिले सीमन सैंपल्स के साथ मैचिंग हो रही है, ताकि चार्जशीट फुल प्रूफ बन सके। इस केस से जुड़ा हर शख्स इस केस की सच्चाई को जानकर दंग रह गया। इंसान के अंदर का छुपा हुआ वहशी जानवर कब वार करेगा, इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल है। उसी तरह अचानक हुए हादसे के बाद पीछे मुड़कर अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि उस हादसे को कैसे रोका जा सकता था। इस हद से ज्यादा दुखद जुर्म की जड़ क्या थी? स्वाति और मयूर का इंटरकास्ट प्यार का रिश्ता, जिसे उनके घर वालों ने इतनी कठोरता से तोड़ा, या फिर स्वाति का अपने पति अजय के साथ रिश्ता, जिसे स्वाति ने अजय के साथ प्यार ना होने के बावजूद बनाया ताकि वो अपने प्यार मयूर को हासिल कर सके, या फिर स्वाति और मयूर का दूसरी बार भागने का प्लान, जिसमें उन दोनों ने खुद की जान माल को खतरे में डाल दिया। जब मयूर स्वाति को अकेला छोड़कर अपने घर चला गया और स्वाति मयूर को बिना बताए अजनबी शहर मोरबी चली गई, और वो भी अकेले। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और पेचीदा केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।